हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। आज इस वक्त मैं आया हुआ हूँ अलीगढ़ का सबसे फेमस स्ट्रीट शावरमा, जो कि मैं पर्सनली 5 साल से मैं इधर ही खाता हूँ। तो गाइस आप एक बार लोकेशन देख लो। तो ये रोड जो आप गाइस अभी इस रोड देख रहे हो, ये दूधपुर चौराहे की तरफ जाती है। बाकी गाइस चलो मैं शावरमा खा के मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो चलिए इंतजार किस चीज़ का, चलते हैं। सबसे पहले भाई ने इन्होंने रोटी डाली, फिर उसके बाद मेयोनेज़ डाल के इन्होंने चॉप चिकन को उन्होंने डाला, उसको रोल करके इस तरह से बनाया। तो गाइस आ चुका है हमारा एक प्लेट चिकन शावरमा, जो कि 40 रुपीज़ का आता है। तो गाइस मैं टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको कैसा है। गाइस बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। इसके चिकन की शावरमा में चिकन के पीसेस डले हुए, जो कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड है, और साथ में इसमें वेजिटेबल्स भी डली हुई है, जैसे अनियंस, टोमेटोस, हरा धनिया और हरी मिर्च, जो कि बारीक तरीके से कटी हुई है। तो गाइस इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंसफुल और फ्लेवरफुल आता है। तो गाइस यहाँ पर शावरमा के साथ साथ आपको चिकन बर्गर भी मिलता है। तो गाइस आप जैसे देख सकते हो बर्गर को कैसे बेहतरीन तरीके से इसको ग्रिल करते हैं, जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसमें चिकन के पीसेज आप देख सकते हो फाइनली चॉप्ड होते हैं, और साथ में इसमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स डलती है, अलग अलग स्पाइसेस डलते होते हैं इसमें। इसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आता है और बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवर्ड आता है। तो गाइस मैं ट्राई करके मैं बता दूँ कैसा है। गाइस बहुत ही जबरदस्त है, बहुत मजा आ गया, एकदम इतना डिलीशियस है कि आप खा के रह जाओगे। चलो गाइस मैं बर्गर खा लेता हूँ और आपसे फिर मैं मिलता हूँ। तो गाइस चिकन शावरमा भी खा लियो और बर्गर भी खा लियो, गाइस मजा आ गया, एकदम चटपटा स्पाइसी जबरदस्त। तो गाइस बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर चिकन सूप भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों के टाइम पे मिलता है। लेकिन चिकन सूप जो मैंने पिया है यहाँ का, बहुत ही जबरदस्त होता है वो। मैं आपको सर्दी के टाइम में मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा चिकन सूप की। बाकी गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि अगला फूड डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।